गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर समस्त नगरवासियों को, शहर देशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज का दिन उन तमाम बुजुर्गों की मेहनत मशक्कत की बदौलत हमको नसीब हुआ है, जिनने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने सीने पे गोली खाई, जिनने आज़ादी पाने के लिए फांसी के फंदे पे झूले हैं। आज का दिन हमको उनको भी याद करने का होता है। आज का दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जो उनने रचना की, जो सृजन किया था संविधान का, जिसके मुताबिक हम अपनी स्वतंत्रता से अपने मुताबिक सांस ले सके। भीमराव अंबेडकर जी का अथक प्रयास रहा कि समाज का कोई भी वर्ग ना तो वंचित रहे ना शोषित रहे, सबको समान अधिकार मिले। और ये संविधान हमारा अक्षुण चला आ रहा है, ये संविधान पे कोई चोट ना पहुंचा पाए, ये संविधान रहती दुनिया तक अक्षुण रहे। आज के दिन का ये संकल्प होना चाहिए, आज के दिन का ये संकल्प होना चाहिए कि हम अपने उन तमाम शहीदों को, जिनने आज़ादी पाने के लिए, हमको ये गणराज्य देने के लिए जिनने अपनी शहादत दी, उनको भी याद करें, क्योंकि वो इस देश को, इस तिरंगे को नमन करके गए। आज हम उनको भी नमन करें। किसी कवि ने लिखा है, सांस का हर तुमन वतन के लिए, जिंदगी हवा ने वतन के लिए, और कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। कम से कम उनका वतन, उनका संविधान अच्छा रहा है, जो छेड़छाड़ संविधान के साथ हो रही है उसके लिए हम सब सजग रहें, सतर्क रहें। आज का यही संदेश है।